प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, आप अलग अलग माध्यमों से सारी चीजों को देख चुके हैं, सिलेबस बहुत सारे मित्रों तक हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यूपी पीजीटी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, बायोलॉजी की, क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको पीजीटी के लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो पीजीटी सिर्फ बायोलॉजी की हम बात करेंगे, बायोलॉजी के दोनों सेगमेंट, दोनों पेपर के आपके क्लासेस चलेंगी, क्लासेस और क्लासेस पे पैटर्न और उन सब चीजों पे हम चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। एक एक करके सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे बने रहें और पूरे वीडियो को देख करके जाएं, जो आपके लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले चर्चा करें यूपी पीजीटी के सिलेबस की। तो सिलेबस आप जानते हैं, सिलेबस मैंने आपको सेंड कर दिया। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप इस नंबर पे, नंबर यहाँ पे 8004109989 पे आप संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, या आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इसी नंबर से जुड़ सकते हैं या स्टडी विद प्रदीप डाल के जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप जुड़ेंगे तैसे आपको क्या किया जाएगा, आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें पीजीटी की, बायोलॉजी की बात हो रही थी। बायोलॉजी पीजीटी में हम लोग दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक क्लास आपकी होगी बायोलॉजी पीजीटी में बोथ लैंग्वेज में। देखिए, आप बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश उनको आता है, इंग्लिश टू इंग्लिश में वो बहुत कंफर्टेबल है। इंग्लिश टू इंग्लिश को लेकर के दो समस्याएं खड़ी हैं। एक तो इंग्लिश टू इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्लुएंसी मेरी नहीं है, जो सत्य है, बहुत ज्यादा फ्लुएंसी के साथ मैं आपको नहीं बता सकता। दूसरी चीजें हैं, कोई भी चीज अंडरस्टूड करने के लिए, समझने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है, उसे अपनी ओन लैंग्वेज में ही जानना चाहिए, उससे समझ ज्यादा विकसित होती है। जो हमारी मूल लैंग्वेज होती है, मूल भाषा होती है, उससे समझ बहुत ज्यादा विकसित होती है। उत्तर प्रदेश की जो मूल भाषा है, वो मूल भाषा आपकी हिंदी है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, हम अवधी बोलते हैं, ब्रज बोलते हैं, ठीक है, भोजपुरी बोलते हैं, वो हमारी एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन मूल भाषा हम हिंदी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपकी ज्यादातर क्लासेस किस में होंगी, मैटर जो लिखा होगा, जो पीडीएफ दिया जाएगा बोथ लैंग्वेज वाले में, वो टोटल इंग्लिश में होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, टोटल इंग्लिश में होगा। और जो आपको बताया जाएगा, उसमें समझाया जाएगा, समझाना क्या है, आप खुद टीचर हैं, बस उस सिलेबस को एक जगह से संग्रहित करना है, उसे एक पैटर्न पे लाना है, उन सारी चीजों को थोड़ा सा अपने साथ मिल करके उसे डिस्कस करना है, जिससे आने वाला भविष्य स्वर्णिम हो, अच्छा हो। क्लियर, तो उन सब चीजों पे एक एक करके चर्चा करना है। तो जो चर्चा होगी वो आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, ठीक है। ये तो हो गया एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न आपका टोटल हिंदी की क्लास होगी। जी हाँ, आप हिंदी की पूरी क्लास करेंगे पीजीटी हिंदी में, और हिंदी में सारे मैटर आपको पढ़ाए जाएंगे, सारा कोर्स आपको हिंदी में दिया जाएगा, हिंदी में सब कुछ हिंदी में होगा, लिखा हुआ भी पढ़ा हुआ भी हिंदी में होगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये बहुत हितकर होगा, वो कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बीएससी एमएससी तो करते हैं, लेकिन उसके बाद हिंदी में वो ज्यादा कंफर्टेबल, जैसे मैं खुद हूं, लेकिन मैं इंग्लिश को पढ़ता भी हूं, समझता भी हूं, ज्यादातर बात करने के लिए हम हिंदी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये दोनों क्लासेस हो गई। साथ में हम 10,000 इतने क्वेश्चन का हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, 15,000 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस पेपर लेके आ रहे हैं, जिसमें एक मेथड है, आप सब जानते हैं, आप पेपर दे करके आए हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक वो कर रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस पे, डबल आर पे। डबल आर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, एक है रिपीट और दूसरा है रिलेटेड, रिपीटेड और रिलेटेड। रिपीटेड का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वह क्वेश्चन एज इट इज अगले साल भी पूछ गया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि हु आर डिस्कवर्ड द सेल, आपसे पूछा किसने सेल को डिस्कवर किया, खोजा, वही क्वेश्चन रिपीट होकर के नेक्स्ट ईयर में भी आ जाए, उसे हम कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इन द सेल इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड, साइटोप्लाज्म आर फाउंड, या सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्मड,
तो जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब सेल से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेल में क्या होता है, सेल की खोज किसने की, तो उसके बाद सेल के ऑर्गन कौन से हैं, ऑर्गेनेल कौन से हैं, सेल के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, सेल के कितने पार्ट होते हैं, उसे हम किस में रख सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन में। ठीक, चूंकि हमसे सेल पूछा गया था, हम लोग प्रैक्टिस पेपर भी ऐसे ही करेंगे, रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन से। रिपीटेड क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस पेपर में दिए गए हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका दिया रहता है कौन से क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल अगर हम इसमें एक कंपेयर करें तो लगभग 20,000 क्वेश्चन हो जाते हैं इंग्लिश हिंदी के मिलाकर के। इतने क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि आप नियर अबाउट 70% क्वेश्चन उसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बचते हैं 30%, क्योंकि हमें 100 में 100 करने के प्रयास करना है, तभी हम जो है सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। 100 में 100 करने के लिए हम यहां से क्या काम करेंगे, इतना करेंगे, साथ में जो चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे सपोज करिए हम लोगों ने किसको पढ़ लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, चाहे वो प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो, सबके बारे में 5 किंगडम जो हिटकर द्वारा दिए गए थे सारे को डिटेल में पढ़ लिया। डिटेल में पढ़ने के बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर लेंगे, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत आसानी से उसे क्लिक टिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं, दोनों मेथड से आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट की जाएंगी, आपकी क्लासेस आज आप मिलेंगी और आपको आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मिलेगा। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हम बता दें कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको बताया जाएगा, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस तरह के पैटर्न आपको पसंद आए हैं। आप अपने सुझाव सलाह और सजेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैं उसे जरूर सुनूंगा, समझूंगा और मुझे लगेगा कि इस तरह से कार्य किया जाए तो हितकर होगा। तो जो अनुभवी लोग हैं वो अपने अनुभव शेयर करें, जो लोग नया सीखना चाहते हैं उन लोगों को भी वो चीजें बताई जाएंगी, जानी जाएगी, तो अच्छा होगा। तो चलिए मिलके एक दीप जलाएं और आने वाले भविष्य में प्रकाश फैलाएं, इसी उद्देश्य के साथ कि हम लोग जो करेंगे बेहतर होगा, आगे बढ़ेंगे बेहतर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर चुके होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।